का निकाह किया जाए। ये दोनों के लिए है। अब कोई तलाक दोनों को हो तो ये अभी बोल उठे, वरना हमेशा के लिए अपनी जबान बंद रखें। अरफान मेरे पीछे आपने बोलना है, अरफान क्या तू इस औरत को अपनी ब्याह का बीवी होने के लिए कबूल करता है? ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक निकाह की पाक हालत में उसके साथ जिंदगी बसर करे, क्या तू उसके उससे मोहब्बत रखेगा, उसे तसल्ली देगा, उसकी इज्जत करेगा और बीमारी तंदुरुस्ती में उसकी खबरगिरी करेगा? और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो और सबों को छोड़कर सिर्फ उसी के साथ रहेगा? अब बेटा नसीम बोलेगी, अपना शौहर होने के लिए कबूल करती है, बोलते जाए, ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक निकाह पाक हालत में इसके साथ जिंदगी बसर करेगी, क्या तो उससे मोहब्बत रखेगी, उससे तसल्ली देगी, उसकी इज्जत करेगी और बीमारी तंदुरुस्ती में उसकी खबरगिरी करेगी? और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो और सबों को छोड़कर सिर्फ उसी के साथ रहेगी? दोनों ने इकरार किया। और अरफान की तरफ से, मैं अरफान नसीम को अपनी जाता बीवी होने के लिए कबूल करता हूं, ताकि खुदा के पाक हुक्म के मुताबिक आज से लेकर जब तक मौत हमको जुदा ना करे, भलाई बुराई तंगी और बहाली बीमारी तंदुरुस्ती में तुझे अपना बनाए रखूंगा, तुझसे मोहब्बत रखूंगा और तेरी खातर करूंगा और तेरे और इसका मैं तुझसे कौर इकरार करता हूँ। जी मैं नसीम अरफान को अपना शौहर होने के लिए कबूल करती हूँ, ताकि खुदा के पाक हुक्म के मुताबिक आज से लेकर जब तक तो मौत हमको जुदा ना करे, भलाई बुराई तंगी और बीमारी बहाली तंदुरुस्ती में तुझे अपना बनाए रखूंगी, तुझसे मोहब्बत रखूंगी, तेरी खातर करूंगी और तेरे हुक्म के हुक्म में रहूं और इसका मैं तुझसे कौर इकरार करती हूँ। बेटा बोले यस, ओके आपने चले। और आइए आज इस खूबसूरत मौका पर हम इस जोड़े के लिए अपने खुदावन खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ खुदावन, आज हम ईमान रखते हैं कि खुदा तेरा फजल तेरे कलाम के सबब से खुदा इस जोड़े पर कायम हुआ है और खुदा तूने आज एक खास रस्म में खुदा इस जोड़े को जो है वो कायम किया है। खुदा इन रिंग्स पर मैं खुदा की बरकत चाहता हूँ और मेरी दुआ है खुदावन, जब ये जोड़ा एक दूसरे को खुदा ये रिंग्स बनाए, खुदा ये सुनासी के नाम से ये जोड़ा खुदा अहबाब तेरे फसल में बढ़े और खुदा मैं रिंग्स को जो है मसा करता हूँ। मेरा ईमान है मेरे खुदावन ने जो है अपना हाथ इस जोड़े पर बढ़ाया है और रिंग्स को खुदावन ने मसा किया है। ये सब कुछ मानते हैं ये सुनासी के नाम से। और ये हुआ मास्टर जिंदा जलाली खुदावन रिश्तों के खुदा, कायनात के रब तभी आसम तेरा शुक्र करते हैं, लायक है पस्तुष के लायक है हमद के लायक है तू जो अजीम है रबुल इज्जत है,
हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं और यहोवा पाक खुदा आज इस घड़ी इस पल इस लम्हे के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तुमने ऐसा पॉसिबल किया कि मिलकर तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी कर सके और दोनों घरानों के लिए खानदानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि यहोवा पाक खुदा जिनको तुमने और आज शाम यहोवा पाक खुदा बच्चों को तेरे नाम में महफूज करते हैं और तेरा हाथ चाहते हैं जो खुदा तब से थोड़ी देर बाद खुदा के सफर का आगाज करने वाले हैं और यहोवा पाक खुदा तेरी यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा तेरे लोगों पर तेरा हाथ चाहते हैं तेरी बरकत चाहते हैं कादर मंत्री का सुमानी बाप एक दूसरे को समझे ये दोनों बच्चे एक दूसरे को समझे एक दूसरे की इज्जत करें बेटी नशीन को खुदा तेरे लोगों में महफूज करता हूँ और खुदा तेरे बेटे को खुदा तेरे हुजूर देता हूँ यहाँ पापा खुदा आज जो भी एहतमा करें वो खुदा मेरे यीशु मसीह वो तेरी हुजूरी में कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ वफादार रहें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें तेरे नाम को खुदा सलाम मिले बाकिया सारी रस्म पर भी तेरा हाथ चाहते हैं शादी की तमाम रस्मात पर भी अभी से तेरा हाथ चाहते हैं मसीह यीशु के नाम में और ये कह रहा है बस ने पाक निकाह पर इत्तेफाक किया है और खुदा और इस जमात के सामने इसका इकरार किया है और उसका एक दूसरे से कौल वातरार किया है और छल्ले के देने और लेने और हाथ मिलाने से उसका इजहार किया है इसलिए मैं इन दोनों को शौहर और बीवी इकरार देता हूँ बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन यहोवा खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ यीशु के नाम से रूहान को बरकत देता हूँ और जिंदगी की दुआ करता हूँ खुदा ताकतवर सेहत मंद रहे और जिंदगी पाए कसरत की जिंदगी पाए और अपने पैसे की थोड़ी कमी ना आए खुदा तमाम बरकतें इन पर नाज़िल कर हम सारे खादम मिलकर और फान को बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बरकत देते और जिंदगी की दुआते हैं सलामती की दुआते हैं और ये नई जिंदगी जो है शुरू की है नई जिंदगी का सफर इसमें खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं तेरी पाक ग्रंथि चाहते हैं तेरी तेरा फजल हाथ इस पर ठहरा रहे तेरे खजाने इस पर खुले रहे कोई नेमत तेरी बात कर रहे हर नेमत से इसे भरपूर करना माला माल करना है खुदा इसी तरह बेटी नशीन को खुदावन तेरे खून डिप करता हूँ इसकी फैमिली चाहता सलामती चाहता भलाई चाहता हूँ खुदा बाप ये वफादार जैसे माँ बाप की बेटी थी आप जो वफादार बीवी बनता रहे और खुदावन पूरे खानदान के अंदर राज करें और अपना घर खूब खुदावन तेरी बरकत से सजाए है खुदा इस बात हम सादे खादम मिलकर बेटी को बाप और बेटे को कुदस के नाम से बरकत की कहावत की सागर की अमर की और सलामती की दुआ देते हैं औलाद की बरकत देता हूँ और खुदा इस बात सेहतमंदी की बरकत देता हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ भाई नदीम के लिए भाई रमजान की बरकत चाहता हूँ जिन्होंने दोनों भाइयों ने इत्तेफाक किया और अपने बच्चों को लेकर आज वो आज जिंदगी उबा चुके हैं तो खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इनकी खैर सलामती भलाई हो यीशु मसीह के नाम से आमीन।